स्वागत है दोस्तों हमारी टीचर ने इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे मोटर का कनेक्शन हम स्टार में कब करते हैं और डेल्टा में कब करते हैं, यानी 5 HP का जो मोटर होगा उसी कनेक्शन हम स्टार में करेंगे या डेल्टा में करेंगे, या 10 HP का मोटर होगा तो उसकी कनेक्शन हम स्टार में करेंगे या डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है इस वीडियो में हम जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि जो मोटर का कनेक्शन होता है वह दो तरीक़े से होता है, पहला स्टार में होता है और दूसरा डेल्टा में होता है। आप देख सकते हैं दोस्त, ये जो स्टार का सिंबल हो गया इसे हम स्टार कनेक्शन कहते हैं और इसे हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। स्टार में RYB तीन फेज होता है और जहाँ पे ये तीनों फेज मिलते हैं वहाँ पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त, इसमें आपका 6 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है। तो जो 3 फेज का मोटर होता है, 3 फेज में आपका 3 वाइंडिंग होता है, तो तीनों वाइंडिंग का 6 टर्मिनल होता है। तो जो स्टार की कनेक्शन होती है दोस्त, वहाँ पे हम टर्मिनल होता है उसको आपस में हम शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम R, B और Y तीनों फेज दे देते हैं। तो इस तरह से दोस्त जो है हमारा स्टार कनेक्शन होता है। और जो डेल्टा कनेक्शन होता है दोस्त, डेल्टा कनेक्शन में भी 6 टर्मिनल होता है, लेकिन दोस्त डेल्टा कनेक्शन में ये दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट किया जाता है। ये दोस्त दोनों जो अल्टरनेट होता है, जैसे कि आप देखते हैं V2 यहाँ पे है, तो ये इसका जो W1 से कनेक्शन हुआ है और यहाँ पे इसका जो W2 है वो आपका E1 से कनेक्शन हुआ है। यानी ये जो तीनों वाइंडिंग हो गया, इस वाइंडिंग का जो सिरा है दोस्त, ये आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा और इसका सिरा यहाँ पे कनेक्ट होगा। इस तरह से दोस्त ये अल्टरनेट करके कनेक्शन किया जाता है। स्टार कनेक्शन में दोस्त एक जो फेज होता है उसमें आपका 240 वोल्ट मिलता है, लेकिन जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसे 440 वोल्ट मिलता है। स्टार और डेल्टा कनेक्शन मोटर में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो स्टार होता है दोस्त उसमें करंट की वैल्यू कम होती है, लेकिन दोस्त जो डेल्टा होता है उसमें करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग टाइम में दोस्त क्या होता है कि किसी भी मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए दोस्त स्टार्टिंग टाइम में हम किसी भी मोटर को स्टार्ट में स्टार्ट करते हैं, इसलिए दोस्त स्टार्टिंग टाइम में कोई जो मोटर स्टार्ट करना रहता है तो उसे हम स्टार में स्टार्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर करंट की कंजप्शन कम होगा और जब वो फुल स्पीड में आ जाता है तो फिर वो डेल्टा में शिफ्ट हो जाता है। तो है दोस्त ये बड़े HP के मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो 5 HP से कम मोटर होता है दोस्त उसको हम स्टार में ही चला देते हैं, उसमें हमें डेल्टा में शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। 5 HP से ज़्यादा मोटर होता है दोस्त उसका कनेक्शन हम स्टार डेल्टा में करते हैं, यानी डेल्टा में करते हैं। इसके लिए दोस्त हमें जो है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन डिपेंड करता है आप जो मोटर यूज कर रहे हैं उसका जो है इफ़िशेंसी को देखें, यानी उससे हम कितना आउटपुट ले सकते हैं, उससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, इन चीज़ों को ध्यान दे के, यानी लोड को ध्यान दे कर ही कनेक्शन हम करते हैं। आप जो मोटर यूज कर रहे हैं उस पर कितना लोड पड़ रहा है तो उस लोड के अकॉर्डिंग ही हम कनेक्शन करते हैं। मान लेते हैं दोस्त कि एक मोटर है जो 15 kW का है और इसे हमें छत पर पानी चढ़ाना है। यहाँ पे दोस्त जो मोटर है इसका कनेक्शन हम डेल्टा में कर देते हैं, यहाँ पर इसकी जो इफिशियंसी है वह रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि दोस्त हम इसके जगह पे हम 1.5 kW के मोटर को ही यूज करके हम पानी छत पे पानी को चढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पे 15 kW का अगर हम मोटर इस्तेमाल करते हैं तो इसका इफिशियंसी रिड्यूस हो जाएगा, यानी ये हमारा कंजप्शन तो ज़्यादा करेगा लेकिन इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो एक्चुअली में दोस्त हम मोटर के लोड के अकॉर्डिंग, यानी फुल लोड जो करंट होता है दोस्त उस फुल लोड करंट के 80% पे हमें लोड चलाना चाहिए। अगर जो हम मोटर यूज कर रहे हैं और उसका लोड जो है दोस्त हम फुल लोड करंट का 80% नहीं डाल पा रहे हैं तो इसका मतलब दोस्त जो मोटर है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब 1.5 kW का मोटर जो है दोस्त वो छत पे पानी चढ़ा देगा, लेकिन इसके जगह पे अगर हम 15 kW का मोटर इस्तेमाल करेंगे तो दोस्त इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा। जो इसका फुल लोड करंट है दोस्त उसका मात्र आपका 10 से 15% ही इस्तेमाल होगा, तो इसलिए दोस्त इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। अब वहीं पर दोस्त अगर हम 1.5 kW का मोटर यूज कर रहे हैं तो इसका जो एफिशिएंसी है बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्त यहाँ पर इसका जो फुल लोड करंट होगा उसके 80% लोड पड़ेगा। यानी हम एक सिंपल भाषा में समझे तो ये 15 kW का अगर मोटर है दोस्त तो इससे मात्र हम 3 kg का अगर हम भार उठाते हैं तो इसका एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा, और यहीं पे अगर हम 1.5 kW के मोटर से 3 kg का हम कोई वजन उठाते हैं तो ये जो 3 किलो है दोस्त ये 1.5 kW के लिए 80% का
लोड काम करेगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे 15 किलोवाट का जो मोटर है दोस्त, इसे हम 3 केजी का अगर भार हम उठवाते हैं तो इसका मतलब दोस्त यह इसका यह इसके लोड के जितना उठाना चाहिए उससे मात्र 10-15% ही होगा। तो इसलिए दोस्त इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही दोस्त हमें स्टार और डेल्टा में कनेक्शन करना होता है। अब हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त कोई एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट 20 एम्पियर है। आप देख सकते हैं जो मोटर होगा दोस्त उसके नेम प्लेट पे फुल लोड करंट दिया रहता है। अगर किलोवाट में अगर मोटर होगा दोस्त आप उसमें 1.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका फुल लोड करंट मिल जाएगा। या एचपी में मोटर होगा तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको फुल लोड करंट मिल जाएगा। ये दोस्त अनुमानित है, ये अप्रोक्स में उतना ही वैल्यू होता है अगर आप फार्मूला से भी पुट करके निकालिएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्त 20 एम्पियर जो है उसका फुल लोड करंट है। अगर उसका हम 40% निकालते हैं तो इसका मतलब हो गया 20 × 0.4 यानी 8 एम्पियर। अगर कोई मोटर है और उसका फुल लोड करंट 20 एम्पियर है, 8 एम्पियर अगर वो करंट ले रहा है तो इसका मतलब दोस्त वो जो मोटर है वो 40% लोड पे ही चल रहा है। तो इस टाइम में इसका जो एफिशिएंसी है रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए दोस्त यहाँ पे हमें वो जो मोटर होगा उसे स्टार में कनेक्शन करना होगा, डेल्टा में नहीं। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि उस मोटर का फुल लोड करंट 20 एम्पियर है और वह 8 एम्पियर ले रहा है, तो इसका मतलब दोस्त वह जो मोटर है वह अपने एफिशिएंसी का 40% ही काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको जो है उस मोटर का कनेक्शन स्टार में करना है। अगर दोस्त यही मोटर 8 एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है तो आपको उसका कनेक्शन डेल्टा में करना पड़ेगा। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।